सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्टार वन टीम ने एक ऐसे खूंखार और शातिर ऑटो लिफ्टर व स्नैचर को दबोचा है जो चोरी की वारदात को अंजाम देते समय अपने साथ टी शेप में मेटेलिक का बना नुकीला जानलेवा हथियार रखता था और पुलिस को चकमा देने के लिए बड़े ही शातिराना अंदाज में दिल्ली से चोरी किए वाहन पर हरियाणा का नंबर और हरियाणा से चोरी किए वाहनों पर दिल्ली का नंबर लगाकर हूबहू असली जैसी आरसी बनाकर वाहनों को बेच दिया करता था। आरोपी 4 महीने पहले ही जेल से छूटकर आया है। आरोपी की पहचान जमरूदपुर दिल्ली निवासी 29 वर्षीय कैलाश के रूप में हुई है। आरोपी से चोरी की 6 मोटरसाइकिल, 4 स्कूटी और 2 iPhone बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्टार वन यूनिट टीम ने एक शातिर और खुकार ऑटो लिफ्टर को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें, 4 स्कूटी और 2 iPhone बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच की स्टार वन टीम को दिल्ली NCR में एक्टिव स्नैचर और ऑटो लिफ्टरों पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। क्राइम ब्रांच स्टार वन टीम ने हाल ही के दिनों में अच्छा काम करते हुए दिल्ली NCR में स्नैचिंग और ऑटो लिफ्टिंग की वारदात को अंजाम देने वाले सैकड़ों क्रिमिनल्स को दबोचा है। क्राइम ब्रांच DCP राजेश डीओ ने बताया कि क्राइम ब्रांच स्टार वन के तेज तर्रार इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी की टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक खुखान व शातिर ऑटो लिफ्टर और स्नैचर जेल से आने के बाद फिर से दिल्ली NCR में ऑटो लिफ्टिंग व स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहा है। क्राइम ब्रांच स्टार वन ACP संतोष कुमार की सुपरविजन व तेज तर्रार इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी के नेतृत्व में SI कृष्ण कुमार ने सस्पेक्ट को दबोचने के लिए मुखबिरों का जाल बिछाने के साथ साथ सस्पेक्ट पर मोबाइल सर्विलांस से भी नजर रखनी शुरू कर दी। SI कृष्ण कुमार को मुखबिरों से पता चला कि सस्पेक्ट ऑटो लिफ्ट जमरूदपुर इलाके में एक्टिव है। इन्फॉर्मेशन कंफर्म होते ही क्राइम ब्रांच स्टार वन के तेज तर्रार इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी ने ACP स्टार वन संतोष कुमार के साथ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर की। संतोष कुमार ACP क्राइम ब्रांच स्टार वन ने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। खूंखार और शातिर ऑटो लिफ्टर व स्नैचर को दबोचने के लिए राजेश डीओ DCP क्राइम ब्रांच स्टार वन ने संतोष कुमार ACP क्राइम ब्रांच RK पुरम की सुपरविजन और इंस्पेक्टर नरेश सोलंकी के नेतृत्व में SI कृष्ण कुमार, हेड कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल सूर्यदेव, घनश्याम, ओम प्रकाश और धीरज की एक टीम का गठन किया। टीम ने जमरूदपुर इलाके पर नजर रखनी शुरू कर दी। टीम को कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिली कि सस्पेक्ट ऑटो लिफ्टर दिनांक 23 फरवरी 2022 की शाम जमरूदपुर गांव की रेड लाइट के पास आएगा। टीम ने रेड लाइट के पास अपना जाल बिछा दिया। शाम 6:45 पर सस्पेक्ट मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। टीम ने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन सस्पेक्ट ने रुकने की बजाय यूटर्न लेकर भागने की कोशिश की। टीम ने दौड़कर सस्पेक्ट को दबोच लिया। सस्पेक्ट ऑटो लिफ्टर की पहचान 110 जमरूदपुर ग्रेटर कैलाश दिल्ली निवासी 29 वर्षीय कैलाश पुत्र दामोदर के रूप में हुई। मौके से आरोपी के पास मिली मोटरसाइकिल भी चोरी की निकली जो कि आरोपी ने ऑटो लिफ्टिंग और स्नैचिंग के लिए थाना मालवीय नगर इलाके से चोरी की थी। आरोपी ने चोरी की मोटरसाइकिल पर हरियाणा नंबर की नकली नंबर प्लेट लगा रखी थी। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से टी शेप में मेटेलिक का बना मल्टीपर्पज नुकीला जानलेवा हथियार मिला। आरोपी ने बताया कि टी शेप में बने मेटेलिक के इस हथियार को गाड़ी का लॉक तोड़ने और खतरा होने पर पंच बनाकर हमला करने में इस्तेमाल करता था। आप देख सकते हैं आरोपी के पास से मेटेलिक का बना टी शेप का सिंपल सा दिखने वाला लोहे का टुकड़ा, जिसे आप सोच रहे हैं सिंपल सा टुकड़ा है, ये देखने में सिंपल भले ही लग रहा हो लेकिन वास्तव में ये एक बहुत खतरनाक हथियार के रूप में आरोपी इसको इस्तेमाल करता था। इसी से वो गाड़ी का लॉक भी तोड़ लिया करता था और जब कोई सामने आता उसको पंच के रूप में इस्तेमाल भी करता था। इसको जेब में भी रखकर आरोपी जा सकता था और इसको कोई भी ये नहीं कह सकता कि हथियार है। पंचिंग के रूप में भी इसको इस्तेमाल करता था। इसको ये बहुत ही खतरनाक आइटम है जो आरोपी के पास से मिला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी वारदातों को अंजाम दिया करता था। इन्वेस्टिगेशन में टीम को पता चला कि आरोपी कैलाश ऑटो लिफ्टिंग में काफी समय से एक्टिव था। दिल्ली NCR के इलाके में ऑटो लिफ्टिंग और स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पूछताछ में आरोपी के पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिल, 4 स्कूटी और 2 iPhone बरामद हुए हैं। आरोपी कैलाश से लगातार पूछताछ करने पर पता चला कि पुलिस को चकमा देने के लिए जमालगढ़ हरियाणा निवासी इस्लाम उर्फ सलीम दिल्ली से चोरी किए वाहन पर हरियाणा का नंबर और हरियाणा से चोरी किए वाहनों पर दिल्ली का नंबर लगाकर हूबहू असली जैसे फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। फर्जी RC देखने में हूबहू असली लगती है।
आरसी देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि यह आरसी फर्जी है। आरोपी के पास से मिली ये फेक आरसी हूबहू असली आरसी की तरह लगती है। इसमें आप देख सकते हैं, इस आरसी को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये नकली आरसी है। जैसी प्लास्टिक असली आरसी की आती है, सेम उसी प्लास्टिक और जो सिंबल जो मैग्नेटिक स्टिक बना होता है और जिस तरीके से प्रिंट होता है और आगे पीछे आप देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये फर्जी और फेक आरसी है। कितने सातिरण अंदाज से इन लोगों ने इस आरसी को प्रिंट कराकर चोरी की गाड़ियों को नई बनाकर ये सेल कर दिया करते थे। गांव डेघौर पलवल हरियाणा निवासी अरुण कुमार चोरी के वाहनों के पेपर बनने के बाद कस्टमर लेकर आता था। चोरी की गाड़ियों को असली बताकर आगे बेच दिया करते थे। आरोपी 29 वर्षीय कैलाश 110 जमरूदपुर ग्रेटर कैलाश दिल्ली का रहने वाला है और इसने 5वीं तक पढ़ाई की है। यह शादीशुदा है और इसके 2 बेटे हैं। पूछताछ ने पता चला कि आरोपी ने जेब कतरों का एक गैंग बना रखा था जो कि बस स्टैंड मेट्रो स्टेशनों व भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों की जेब काटता था। स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली ने छापेमारी कर इसकी गैंग से 57 मोबाइल फोन बरामद किए थे, लेकिन यह उस समय पुलिस की पकड़ से भागने में कामयाब रहा था। आरोपी मोबाइल चोरी और आर्म्स एक्ट में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। यह एक बार मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जा चुका है। अक्टूबर 2021 में जेल यह से रिहा हुआ था। जेल में इसकी मुलाकात अविनाश से हुई थी। अविनाश से इसने गाड़ी चुराने की ट्रेनिंग ली। इसने अविनाश इस्लाम उर्फ सलीम और अरुण कुमार के साथ मिलकर ऑटो लिफ्टरों का एक गैंग बनाया। बाकी आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसकी गिरफ्तारी से पुल प्रहलादपुर डिफेंस कॉलोनी मुंडका मोती नगर खयाला नॉर्थ रोहिणी महेंद्र पार्क थानों में दर्ज चोरी के 10 मामले सुलझ गए हैं। आरोपी से चोरी की 6 मोटरसाइकिल 4 स्कूटी और 2 आईफोन बरामद हुए हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया कड़ी नजर। खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।